हर वक्त जब कौम की बात आती है तो राजकरण ना करे। टी राजा सिंह, किराने, काजल हिंदुस्तानी, ये सब भी जो है हेड स्पीचर है। क्या तुम लोग PRP लेने आए हो? तुम टी राजा पे केस करो। हमारे भाई ये कौन है हम नहीं जानते, पीछे से चिल्ला पुकार करना। नोचारे इनके प्राइवेट आयास बबलू बोलता है निकल निकल बाहर निकल, उसको बाहर निकालो, देखो बुलाया कौन। मैं क्या घुमा के लेके जफर नुमानी जो है वहाँ डायरेक्ट गाली गलौज करने लगा चौकी के अंदर। हमारा NCP का ऑफिस नहीं है, जमीनों के हराम की कमाई खा के मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं हलाल का कमाता हलाल का खाता हूँ। ये सब NCP वालों के स्टंट बाजी थी सलमान अताई साहब के साथ में। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। गुजरात ATS ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो है अरेस्ट किया है और उसी का निवेदन देने के लिए आज मुंब्रा शहर के NCP पार्टी के कार्यकर्ता मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन वहीं पर जो है कुछ निवेदन देने के टाइम पे किसी शख्स से जो है कहा सुनी हो गई, मामला आगे बढ़ गया, हाथापाई तक बात आ गई। क्या पूरा मामला हुआ था जफर भाई, आप लोग गए थे निवेदन देने के लिए, निवेदन दे पाए या नहीं दे पाए पहले ये बताइए। हमने उनको निवेदन दे दिया, निवेदन सर ने ले लिया, सर ने हमारी बातों को बहुत अच्छे से सुना और उस पर गौर भी किया, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बताया भी कि किस तरीके से हवा को फ़िज़ा को ख़राब की जाती है, आगे पीछे की बातों को ना बताते हुए बीच की एक बात बता करके हवा को ख़राब की जाती है। उसी मौजू पर मुफ्ती अशरफ साहब ने भी उन पर बात की और उन्होंने बोला कि सर उन्होंने जो शेर पढ़ा है वो शेर किस मौजू पे पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, सिर्फ उसी शेर को कट करके BJP के कुछ लोगों ने ATS को दे दिया और उस पर उन पर FIR दर्ज हो गई। तो इसी की मांग को लेकर के कि उसकी इंक्वायरी की जाए, निष्पक्ष जाँच हो, इस तरीके के और भी लोगों पर हादसात हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग एक देखिए सबसे बड़ा मसला ये है हमारे साथ, ये है कि हम लोग एक माइनॉरिटी से जुड़े हुए लोग और हम कहीं ना कहीं हमको ये फील होता है कि हम कुछ कहते हैं तो हमारे ऊपर फ़ौरन FIR दर्ज हो जाती है। हालांकि हम उस चीज़ को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग उसको पेश करते हैं वो दूसरे नज़रिए से। अंदर क्या हुआ सीनियर साहब के केबिन में, कौन शख्स है वो, किससे कहा सुनी हुई आपकी हाथापाई? जानते ही नहीं, जो हम जब उसको डेलीगेशन सीनियर साहब को दे रहे थे तो वो बोलता है क्या तुम लोग PRP लेने आए हो, तुम लोग कौन हो, तुम सिर्फ एक ही आदमी की बात क्यों कर रहे हो, तुम टी राजा पे केस करो, तुम फलाने पे केस करो, तुम ढेमके पे केस करो, एक पांच छह नाम गिना। हमने उसे क्या कहा कि आप खामोश रहिए, हम हमारा डेलीगेशन दे देते हैं, हम आपकी बात भी सुन लेंगे, आप एक लेटर बनाइए। सीनियर साहब ने भी यही कहा कि भाई तुम्हारी जो डिमांड है एक लेटर बना के लाओ और ले आकर के वहाँ पर दो। और पहली बात एक चीज़ और सोच लो कि जहाँ पर ये स्पीच दी जाती है वहाँ पर FIR दर्ज की जाती है। उनको उन्होंने एक बात बताया, वो बबलू भाई से लड़ गया, बोले तुम लोग TRP लेने आए हो, तुम लोग खाली अपने आपको यहाँ दिखावा करने आए हो, उसको सीनियर साहब मना कर रहे, हम मना कर रहे, हम बाहर आए। फिर नया बेटा नाम क्या है उनका, जो हम पहचानते ही नहीं, हमारे साथ में आया नहीं। भाई मैं एक बात कहना चाहूँगा, लगता है कि वो किसी कोई अपोजिशन है या किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, पॉलिटिकल पार्टी से, लेकिन अगर उसको इतना ऐसा लगता, ऐसा अगर उसको ज़रूरत है तो वो आके अपने किसी पार्टी का मेमोरेंडम दे और उस पर आकर अपने हिसाब से सामने वाले पे FIR दर्ज कराए। हम यहाँ पर किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे फ़िलहाल, आज हम यहाँ पर इंसानियत के हिसाब से आए हुए हैं एक मेमोरेंडम देने। वो यहाँ पर वो राजनीति कर रहा है, देखिए राजनीति को अपनी जगह रखे, हर वक्त जब कौम की बात आती है तो राजकरण ना करे प्लीज़। आज मुसलमान साहब आपका खराब है। इस्लाम भाई बहुत ही दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब हम अपनी कौम की कोई बात करते हैं तो ऐसे हादसात हो जाते हैं, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें भूल जाने के बाद मैं कहना चाहता हूँ कि मुफ्ती सलमान साहब के साथ जो भी हादसा हुआ उनके ऊपर ATS ने जो घुघराहट दाखिल करी है वो बहुत ही गलत है और हम सब लोग पूरे लोग मुफ्ती साहब के साथ में और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द अज़ जल्द मुफ्ती सलमान साहब बाहर आ जाएँ। अभी जैसे कि अंदर कुछ बहस हुई उस शख्स के साथ में, उसका कहना है कि जो भी दूसरे समुदाय के पक्ष हैं वो जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ़ भी FIR दर्ज आप लोगों को कराना आना चाहिए, तो बात तो सही है, आप लोगों को भी आना चाहिए। इस्लाम भाई सबसे पहले बात मैंने की थी सीनियर साहब से, वो वीडियो मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा, कि जो लोग ये कहते थे कि सिर्फ 5 मिनट दो हमको, जो लोग कहते थे कि भाई तुम मार के हमारे पास आओ बाकी मैं सब देख लूँगा, तो उनके ऊपर गुनाह क्यों नहीं दाखिल होता है? आप सिर्फ एक आलिम के ऊपर, एक मुफ्ती के ऊपर आप गुनाह दाखिल कर रहे हो। तो ये सारी बातें होने के बाद सीनियर साहब ने कहा कि मैं खुद भी LLB पढ़ाऊँ और मैं आपकी लॉ की जानकारी देता हूँ कि जहाँ पर गुनाह होता है वहीं पर ये गुनाह दाखिल किया जाता है।
ये सारी बातें भी, फिर वो हमारे भाई है, कौन है हम नहीं जानते, पीछे से चिल्ला पुकार करना और शोर करना। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको हिदायत दे, सही समझ दे उनको। दूसरा पक्ष जो है उनसे भी बात करते हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर वो गए थे और काफ़ी जो है वहाँ पर अंदर बहस हुई, जो है मामला हाथापाई का आ गया था। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्या नाम उनका, क्या उनका कहना है, क्या हुआ था अंदर, आप पुलिस स्टेशन में गए हुए थे अंदर, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुसैन शेख है, मैं सलमान अजाई साहब का फॉलोवर हूँ। और कल से जब मामला हुआ तो मैं 2-3 बार कांटेक्ट किया हूँ, और आज सुबह मेरा 1:15 बजे तकरीबन उनसे कांटेक्ट हुआ। तो शाम में एक मुफ्ती अशरफ साहब की वीडियो आई कि हम लोग मुमरा पुलिस चौकी जा रहे हैं सलमान अजाई साहब के ताल्लुक से, तो मैं आ गया इधर 4:45 बजे और वेट कर रहा था उनका। तो ये लोग सब आए तो हम लोग इनके साथ में मैं मुमरा पुलिस चौकी के अंदर सीनियर साहब के पास गया। अब ये लोग बैठे थे, अब ये लोग हेट स्पीच की बात कर रहे, उसमें मुफ्ती अशरफ साहब बात कर रहे थे। तो उन्होंने सीनियर साहब को कहा, एक जन है मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसने हेट स्पीच दिया। फिर मुझे इन लोगों की बातें समझ में नहीं आई, तो मैंने बोला सर कि टी राजा सिंह, राणे, काजल हिंदुस्तानी, ये सब भी जो है हेट स्पीचर है, तो हम लोग को इनके खिलाफ़ एफ़ आई आर करनी। तो लोग सब मेरी चेहरे की तरफ देखने लगे। मतलब हम लोग यहाँ सिर्फ लेटर देने नहीं आए, हम लोग चाह रहे इनके ऊपर एफ आई आर हो। तो सर ने क्या बोले कि जहाँ ये मामला हुआ है वहाँ पर एफ आई आर करो। मैं बोला सर लेकिन हम लोग ने यतीन, आप किसी राजनीतिक पार्टी से? मैं फिलहाल किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ, लेकिन मैं सलमान अजाई साहब जो मुफ्ती साहब ने वीडियो डाला और मैसेज चलाया उसमें एनसीपी पार्टी लिखा हुआ है। नहीं नहीं, उन्होंने वीडियो, अच्छा मैसेज, जो मैसेज भी एक चलाए है, वीडियो जो मैंने देखा ना, तो वीडियो में जो अपील की उन्होंने ये नहीं बोले कि मतलब सिर्फ एनसीपी वाले आए। तो वीडियो देखकर आया मैं, नहीं तो पर्सनली इनका कुछ होता तो मैं क्यों आता। मैं सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी, अपने घर को साइड में रख के सलमान अजाई साहब के समर्थन में इनके साथ आया था। हालांकि अब देखो मेरे साथ कोई है नहीं, लेकिन मैं अकेला आया इनके साथ। लेकिन जब इनके अंदर बातें मुझे समझ में नहीं आई तो ये आप लोगों में पकड़ी पकड़ा पुलिस स्टेशन में, केबिन से बाहर आते हुए सब हो गया, क्यों हुआ? मैंने सर को बोला कि सर आप 0 FIR लीजिए, जैसा हम लोग ने यतीन अर्थी आनंद पर यहाँ 0 FIR की है। तो ये लोग सब फटाफट सब खड़े हो गए लेटर देने के लिए, बोले लेटर दो लेटर। और वो आयास बबलू बोलता है निकल निकल बाहर निकल, उसको बाहर निकालो, तेको बुलाया कौन? मिला तेको बुलाया कौन? तुम लोगों ने क्यों वीडियो चलाया? तो मिला ये तेको निकल गया, मिला देखिए सीनियर सर आपके ऑफिस में कहता निकल निकल कर रहे, तुम्हारा एनसीपी का ऑफिस नहीं है। बोले तो हमारे इसमें क्या रहा, हमारे रिलीजन में? मेरा मैं रिलीजन मैं मुसलमान नहीं होला क्या, मैं क्या खा के बड़ा? मिला तुम्हारे जमीनों की हराम की कमाई खा के मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं हलाल का कमाता हलाल का खाता। उसके बाद मेरे लोग बाहर निकले तो मेरे को जो नगर सेवक हैं जफर नोमानी, तो बोले हम लोग ये कमेला, लेकिन ये आए क्यों? इसे भी एनसीपी का लेटरबाजी करने आए, सिर्फ दिखाने आए कि हम लोग ने सलमान अजाई साहब के लिए बोले? ये तो मतलब सिर्फ स्टंट बाजी होगी, मुझे पता था स्टंट बाजी होती तो मैं आता ही नहीं, मुझे लगा FIR करेंगे। करो ना 0 FIR, खड़े करो एडवोकेट के, हम तो कंधे से कंधा मिलाए खड़े ले, क्योंकि सलमान अजाई साहब की बात है अभी लोग। तो फिर जफर नोमानी जो है वहाँ डायरेक्ट गाली गलौज करने लगा, चौकी के अंदर गंदी गंदी गाली देने लगा। तो मुझे पुलिस वाले लोग ने पीछे ले लिए, तो मैं वही बोला कि लोग पूरा एनसीपी का तुम लोगों ने क्या इसको ऑफिस बना के रहे, गाली दे रहे, धक्के मार के निकालो, चलो बाहर जा, ये सब एनसीपी वालों के स्टंट बाती थी सलमान अजाई साहब के साथ में। सलमान अजाई साहब के हम लोग कट्टर फॉलोवर अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके ऊपर कोई राजनीति करेगा तो इंशाल्लाह हम लोग चुप भी नहीं बैठेंगे। तो आपने सुना कि आज मुमरा पुलिस स्टेशन में एनसीपी पार्टी के लोग जो है आए हुए थे निवेदन देने के लिए, जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी हुई है उस मामले को लेकर, और वहीं पे SDPI पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हुसैन इनका नाम है, ये भी वहां पर पहुंचे हुए थे। दरअसल इनका ऐसा कहना था कि आप लोग लेटर देकर सिर्फ स्टंटबाजी कर रहे हैं, और अगर वाकई में आप कार्रवाई कराना चाहते हैं तो जो दूसरे पक्ष के लोग हैं जो हेट स्पीच देते हैं उनके ऊपर गुनाह दाखिल कराएं। इसी पूरे मामले को लेकर जो है एनसीपी पार्टी और SDPI पार्टी के जो हुसैन हैं इन लोगों के बीच में पुलिस स्टेशन के अंदर ही जो है झड़प हुई, गाली गलौज भी हुआ है। अरे क्या क्या छात्र उसको समझा रहे हैं? छोड़ो ना भाई, हो गया ना अभी, छोड़ो ना अभी, बात करना पड़ेगा, बढ़ते हैं की बात। बोला बोले क्या कर रहा है? अरे बबलू भाई उसको बुलाए भी नहीं, अरे अंदर आया गुड़िया देने का बुलाया, बातें कर रहा है, चला बैठ कर, चला बैठ कर, चल जाने, चला चला क्या है मुद्दा, कहां से कहां घुमा के लेके जा रहा है?